हेलो दोस्तों, आज हम मैथ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको इसको तैयार करके चलना है। अगर आप एलसीएम और एचसीएम सीख चुके तो समझिए ये आपकी क्या है, बेस है। बेस आपका स्ट्रोंग हो जाएगा, मैथ आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आप ऐसे जिस तरीके से सीढ़ी के अनुसार सक्सेस हो जाएंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप 10 सेकंड से 12 सेकंड भी नहीं लगाओगे, बस आप 2 मिनट में, 2 सेकंड में ही आंसर दे दोगे। ओरल भी दे सकते हो, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पहली संख्या आपको एक फार्मूला याद रखना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याएं होंगी उनका गुणनफल कर लो। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ, या हम कह सकते हैं कि आपको पहली संख्या दी होगी और दूसरी संख्या दी होगी, उनका एलसीएम और एच सी एफ से अगर गुणा कर दोगे तो ये सब वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको कभी कभी दूसरी संख्या पूछ लेगा तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या नीचे भेज देंगे। अगर आपसे एलसीएम दिया होगा, एच सी एफ पूछ लेगा, इसके मदद से आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे मैं इन क्वेश्चनों में। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि लिखा है दो संख्याओं का, यानी हम कह सकते हैं एलसीएम हमारे पास गिवेन है। एलसीएम कितना है? एलसीएम इक्वल टू दिया है 225 एंड उनका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ क्या गिवेन है? 5 है। अब कह रहा है कि पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या 25 है, यानी फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट है हम कह सकते हैं, पहली संख्या है जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट नंबर है 25। अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, सेकेंड यानी दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या का मान क्या होगा? तो इस प्रकार से आपको दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालने का एक ही वही फार्मूला है जैसा कि मैंने बताया है, यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ अपॉन फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या फर्स्ट नंबर। देखिए, अब हमारे पास एलसीएम कितना दिया है, 225 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यानी एच सी एफ दिया है। अब पहला संख्या यानी पहली संख्या 25 है। अब साथियों क्या करना है, आपको ऐसे ही फार्मूले में एलसीएम हमारे पास गिवेन था, हमने लिख दिया, हमारे पास एलसीएम क्वेश्चन में है 225, 225 लिख दिया। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। अगर हमारे पास पहली संख्या दी है 25, हमें दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन पहला संख्या। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जो कट रहा है उसे काट दोगे। देखो, 5 से काट रहा है, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 पंजा 5, 5 चौक 20, 5 25, यानी कह सकते हैं इसका नंबर कितना आया, 45। तो साथियों आपका वैल्यू कौन से आंसर सही है, तो आप कहोगे सर तीसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत कम समय में कर सकते हो। आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का लासा 1825 1820 है और उनका मासा 26 है। क्या है? मासा 26 है। एक संख्या हमारे पास है 130, तो दूसरी संख्या निकालिए। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए सीधे आप क्या करोगे, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या पूछी गई है, तो आप क्या करोगे साथियों, तो आप करोगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन पहली संख्या। ये फार्मूले का इस्तेमाल करके आप बस आसानी से
क्वेश्चन निकाल सकते हो, सोल्व करोगे बहुत आसान तरीके से। आपको HCF दिया है 1800, कितना दिया है 1820, LCM दिया है 1820 और HCF हमारे पास है 25 26, और हमारे पास पहली संख्या दी है 130, तो हमारे पास 130 पहली संख्या है। अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 के पहाड़े से काटते हैं, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26। अब हमारे पास आया 182 गुणा 2, अब इनकी गुणा कर लोगे 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, यानी कह सकते हैं 364 किस ऑप्शन में है। तो आप कहोगे सर तीसरा ऑप्शन राइट है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न का तीसरा उत्तर सही है। आई होप आप समझ चुके होंगे। साथियों आपको गलत नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि दो संख्याएं होंगी उनका लासा दिया गया है और मासा दिया गया है, यानी कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक दिया है, या हम कह सकते हैं एलसीएम दिया है 1820, उनका महत्तम समापवर्तक यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ दिया है 26। यदि फर्स्ट नंबर गिवेन है कितना 130, तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालोगे इस फार्मूले का यूज, सेकेंड नंबर इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ अपॉन फर्स्ट नंबर, या हम कह सकते हैं कि जो जो वैल्यू हमारे पास है वो लिखिए और काटने के बाद जो आंसर आ जाए वो हमारी दूसरी संख्या होगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। थोड़ा और इसी पर काम करते हैं और क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते हैं, जैसे दो धन पूर्ण संख्याओं का एच सी एफ और एल सी एम दिया है। अब हमारे पास एच सी एफ दिया है, एच सी एफ गिवेन है कितना है 35 है, और एल सी एम गिवेन है, एल सी एम कितना दिया है 385। यदि एक संख्या, अब कह रहा है फर्स्ट जो नंबर है पहली संख्या दी है फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है गिवेन क्या है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी है 77 है, तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। क्या नंबर फाइंड करना है, सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, यानी दूसरी पूर्ण संख्या सेकेंड पॉजिटिव नंबर कैसे निकालेंगे। तो आप कहोगे कि सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो आपको याद, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास गिवन है क्या है, तो एलसीएम है 385, कितना है 385 गुणा हमें करना है एचसीएफ से, एचसीएफ 35 दिया है, 35 अपॉन फर्स्ट नंबर क्या है 77। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको काट देना है ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या को। अब देखते हैं सात से करते हैं, सेवन 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 जा सेवन की अगर वन से करते हैं, सेवन बन जा सेवन फाइव जा 70 35 होता है। अब आगे, अब अगर हम इस 11 को काटें तो 11 एकम 11, 11 से काटते हैं 11 3 33, फिर बचे 5, 11 5 55, आप कह सकते हो 35 गुणा 5, 35 गुणा 5 की जब वैल्यू करोगे 25 25 के 5 फांसी लगे 2, 5 15 15 2 17, तो आप कहोगे सर 175 आया। तो 175 किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन में है, यानी तीसरे वाले ऑप्शन में है, तीसरा आंसर इसका सही है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ऐसे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई हैं एलसीएम और एचसीएफ से, अगर आपको वह पसंद आ रही हैं तो उनको भी देखिए, और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको भी आप देखकर पूरा जाइए, क्योंकि एक एक सीरीज में एक एक चीज़ में क्रम बाय क्रम लेकर चल रहा हूँ, बस आपको देखते रहना है वीडियो को लास्ट तक। अगला लिखा है दो संख्याओं का मासा और लासा, यानी हमारे पास मासा और लासा कितना दिया है, अलग अलग दिया है। हम कह सकते हैं एलसीएम एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इक्वल टू कितना गिवेन है 18, एलसीएम इक्वल टू 378 एंड फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या, हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर गिवेन है कितना है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमारे पास है 54,
अब सेकेंड नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या नंबर की? सेकेंड नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकेंड नंबर फाइंड करने का बस आसान तरीका है, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू, सेकेंड नंबर इक्वल टू, अब हमें पता है एलसीएम कितना है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 378। बार बार हम फार्मूले को अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब फार्मूला हमारे माइंड में सेट हो चुका है, और आपको भी ऐसे ही रट लेना है। अब फार्मूले का सही यूज करेंगे, क्योंकि फार्मूला एक ही फार्मूले पे सारे क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड कुछ अदर भी क्वेश्चन है आपको करना है। फिर इनका फर्स्ट नंबर हमारे पास 54 है, तो इस प्रकार से आप करोगे। तो अब हम 18 के पहाड़े से कट रहा है क्या? 18 एकम 18, 18 36 38 54, यानी कह सकते हैं कि इसे तीन बार आएगा। अब देखिए तीन से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 6 जा 18, यानी हम कह सकते हैं 126 इसका नंबर आया। तो 126 किस में है? तो आप कहोगे सर ए वाले ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप बहुत आसान, बस फार्मूले का सही तरीके से यूज करना है। इस वाली वीडियो में आपको एक जैसे क्वेश्चन मिलेंगे और एक से अच्छे एक क्वेश्चन मिलेंगे। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी स्ट्रोंग मैथ होगी। मैथ को स्ट्रोंग करने का बस एक ही फार्मूला है, एक ही तरीका है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करो, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हैबिट डेवलप होगी, आप उतना ही अच्छा कर सकते हो परीक्षा हाल में। इसीलिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि आप परीक्षा हाल में पहुँचो तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से मैथ के प्रति भय ना हो। अगला है, दो संख्याओं का मासा और लासा दिया है, और पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम कह सकते हैं एच सी एफ हमारे पास गिवेन है, एच सी एफ इक्वल टू कितना गिवेन है? 15, एंड एल सी एम इक्वल टू 300। यदि इफ फर्स्ट नंबर इज ए 60, अब कह सकते हैं कि पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर इक्वल टू 60, एंड फाइंड द सेकेंड नंबर, और दूसरा नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, या दूसरे नंबर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वाले देख रहे हैं, तो मैंने इसे इंग्लिश में बोल दिया है, बस आपको भय नहीं रखना है, डर नहीं रखना है कि आपको। अब देखिए धीरे धीरे मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेवलप करूँगा, क्वेश्चन बनवाने की कोशिश करूँगा। बस थोड़ा सा आप हमारा साथ दीजिए, मेहनत और लगन के साथ डटे रहिए। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए, सेकेंड नंबर निकालने के लिए हम एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ अपॉन फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या अपॉन फर्स्ट नंबर। अब आपको ऐसे करना है, तो एल सी एम हमारे पास कितना है? एल सी एम कहोगे कि 300 है, सर कितना है? 300 है। और एच सी एफ कितना है? तो आप कहोगे 15, यानी 15 है। कहोगे फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 60, यानी 60 है। अब जो नंबर कट जाए उसे काट दीजिए, जैसे 0 नीचे है 0 ऊपर है, अब कैंसिल हो गया। अब 6 की टेबल में 6 1 जा 6, 5 जा 30, यानी कह सकते हैं 6 एकम 6, 6 5 30। तो यहाँ से आप 15 का पहाड़ा 5 तक पढ़ोगे, 15 एकम 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, आप कहोगे 75 आ गया, यानी 15 5 जा 75। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आप कहोगे सर दो ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में आंसर सही है, यानी वी सेकेंड ऑप्शन इस प्रश्न का है। आई होप आप समझ चुके होंगे कितना आसान था। आज की वीडियो बहुत आसान है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन गलत करके आते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगला वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107, यानी कह रहा है टू नंबर्स मल्टीपल इक्वल टू 4107 इफ हिज एच सी एफ 37 एंड फाइंड द अदर नंबर। तो हमें क्या करना है? बड़ी यानी लार्ज नंबर फाइंड करना है, ग्रे यानी दूसरा बड़ा संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इन दोनों का
सेकेंड नंबर का गुणनफल कितना है? आप कहोगे सर 4107 है। अब इसमें हमारे पास HCF दिया है, कितना दिया है? तो आप कहोगे 37 दिया है। आपको क्या निकालना है? बड़ी संख्या निकालनी है, यानी LCM निकालना है, LCM फाइंड करना है। तो सेकेंड वैल्यू आपको निकालनी है LCM, तो LCM निकाल लीजिए। LCM इक्वल टू क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल आप लिख लीजिए 4107। अब हमें क्या करना है, HCF से डिवाइड कर दो 7। आप क्या क्या करोगे, 37 बन जा। अब या आपको क्या करना है, लास्ट में 37 को डिवाइड करोगे, 37 है यहाँ पर 4107, 37 बन जा 37। यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 7 गए 4, यहाँ पर आ गया 0, 37 एकम। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन सेकेंड सही है। आप अगर इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1-1 ऐसे करके आंसर आएगा, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। आई होप आप समझ चुके होंगे, बस आपको इसकी डिवाइड करना है, बस आंसर ले आना है, आंसर आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि दो व्यंजनों का LCM यानी लघुतम समापवर्तक HCF क्रमशः दिया गया है, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए ये क्या आता है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये छोड़कर नहीं आना है। देखिए हमारे पास जो देख गिवन है HCF, पहले हमारे पास LCM है, LCM गिवेन है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब अगर हम इसका फैक्टर कर लें, यानी इसके गुणनखंड कर लें, तो आपको क्या आएंगे, x प्लस 4 × 8 यानी 4 × 2 = 6, और क्या होंगे x 4 + 2। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यही ऊपर वाली नंबर आ जाएगा। और फिर हमारे पास HCF गिवेन है, HCF कितना है, तो HCF की वैल्यू गिवेन है 1 की वैल्यू यहां तक है x प्लस 1, यहां पर और दिया है x प्लस 1, यहां पर x प्लस 1 कर लो, इसकी वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1, क्या गिवेन है x प्लस 1। अब नेक्स्ट में हमें क्या लिखा है कि फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या दी है, फर्स्ट संख्या कितनी है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 2 × 2 यानी 2। तो इस प्रकार से आपको ऐसे ही निकालोगे, सेकेंड नंबर निकालना है तो सेकेंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी LCM और HCF, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई HCF यानी HCF एक्स प्लस 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमने निकाली है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, इस ब्रैकेट में ए ब्रैकेट से ए ब्रैकेट कैंसिल, एक्स प्लस 1 कैंसिल, अब हमारे पास आ गया एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ऐसा कहीं है। तो आप कहोगे सर फर्स्ट इक्वेशन में है, यानी पहला ऑप्शन राइट है। आई होप आप समझ चुके होंगे, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार से कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बस आपको ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ डटे रहना है। देखिए ये थे फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आगे थोड़ा और एडवांस लेते हैं, अब युग्मो की बात की जा रही है कि दो संख्याओं का योगफल 84 है,
उनका मासा कितना है, 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए हमारे पास जो एच सी एफ है, एच सी एफ गिवेन है कितना है, 12 है। अब कह रहा है अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट संख्या यानी फर्स्ट नंबर इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं एक्स, और एक्स के साथ 12 लगा लेते हैं। सेकेंड नंबर हम फाइंड कर लेते हैं, सेकेंड यानी 12 बाई। अब इस प्रकार से हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। कह रहा है पहली और दोनों दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है। अब हम निकाल सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू गिवेन है 84। अब फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12x प्लस 12y इक्वल टू 84। तो आप क्या कहोगे, x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 84। अब इसमें दोनों में कॉमन है 12, 12 को नीचे उतार दो। अब 12 से काटोगे, 12 एक कम 12, 12 24, 28, 30, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, यानी 7 बार जा रहा है। यहाँ पर कितना बार जा रहा है, 7। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। तो आपको बताना है कि ऐसी संख्याओं के कुल युग्म कितने होंगे। तो आप देखिए ऐसी इन्हें प्राइम नंबर डिवाइड करना है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो आम दो संख्याएं हों जो आपस में कटे ना। इस प्रकार से इनको अगर डिवाइड करोगे या इनका अंतर देखोगे, ये दोनों संख्याएं सेम नंबर से नहीं कट रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लेते हैं 1, दूसरी संख्या कितनी लेंगे, तो आप कहोगे सर 6 लेंगे, तो हो जाएगा 6 1 7। अगर हमने लिया पहली दूसरी 2, फिर 3, 2 में कितना जोड़े, 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 3 ले लिया, 3 में 4 जोड़ोगे फिर भी 7 हो जाएगा। फिर 4 ले लेते हैं, 4 में 3 जोड़ोगे तब भी 7। अब ये रिवर्स चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार इसमें कितने युग्म बनेंगे, तो आप कहोगे सर 3 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, तो 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी 3 जोड़े बनेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे जोड़े कैसे निकालते हैं। बस प्राइम नंबर निकालने होते हैं और कुछ नहीं। अगला है दो संख्याओं का योग इतना दिया है और उनका मासा 27 दिया है, तो कितने जोड़े बनेंगे। अब देखिए दो संख्या है, अब हमने कह दिया पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है, इनका दोनों का योग दिया है कितना, 216। तो पहली संख्या हमारे पास 27x है प्लस दूसरी 27y है। अब बराबर इनकी हम क्या कर सकते हैं, 216 हमने लेट कर लिया है पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लिया है इस तरीके से। अब हम कॉमन करोगे तो x एक्स प्लस बाई बराबर कितना होगा, 216 अपॉन 27। आप 27 से काटोगे या 3 से काट लो, 9 3 27, 9 3 27, फिर 9 से काटोगे, 9 2 18, 9 3 27, 9 2 18, फिर हो जाएगा 3 9 4 36 यानी 4। फिर 3 से काटोगे, 3 8 24, यानी इन दोनों का योग कितना आ गया, x प्लस y बराबर 8। अब हमारे पास x प्लस y बराबर 8 है, तो आपको युग्म फाइंड करने हैं। तो आप x की वैल्यू अगर 1 लिखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, तभी 8 आएगा इनका योग। अगर x की वैल्यू 2 लिखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 लिखनी पड़ेगी, तो 8 आएगी। आप कहोगे x की वैल्यू 3 लिखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5, तभी तो ऐड कर पाओगे, तो ऐड करने पर 8 आ जाएगा। फिर अगर x की जगह पर 4 लिखते हैं, तो y की जगह पर भी 4 लिखना पड़ेगा, तभी 8 होगा। अगर x की जगह पर 5 लिखते हैं, तो y की जगह पर 3, यानी ये एगुम तो वापस फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसे छोड़ो, आप देखो इसमें क्या, ये 4 से कट रहा है, तो जो जोड़े कट रहे हैं उसे छोड़ दो, ये भी नहीं होगा। आप कहोगे ये भी नहीं होगा, ये पहला बनेगा और ये दूसरा बनेगा, तो कितने युग्म बने, तो कहोगे सर 2 बने। तो किस में ऑप्शन सही है, दूसरा, यानी सेकेंड ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आपको युग्म निकालना आसान तरीके से मैंने सिखाया है। बस आपको एक एक चीज़ क्लियर करते चलना है,
देखिए, आपको अगर कहीं पर भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो आप ऐसे ही निकालोगे इसी फार्मूले की हेल्प से। अगर आपसे कभी भी कहीं पे भी कुछ भी पूछ ले तो आपको डरना नहीं है, बस लगे रहना है मेहनत और लगन के साथ। अगर आपने ये क्वेश्चन किए हैं और इसके बाद और दो चार क्वेश्चन आप बनाना किसी भी प्रॉपर बुक से, फिर बनाने के बाद आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और आपको क्वेश्चन होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। आपका एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको समझ में आएगा और आप कहोगे कि हाँ, मैथ हमारी वास्तव में अच्छी हो गई। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जुड़े हो पहली बार अगर देख रहे हो तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों के लिए जय हिंद, नमस्कार।